पूरा पहाड़ उतरने के बाद में आपको मिलता है सफेद सैंड, सफेद रेत। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे, जब चाहे रोके डोके मुझे कोई भी यहाँ। Guys, it's fourth day today and we are at our first location. It is Mawsmai Cave. Are you excited to go? This is actual cave. ये भी natural cave ही है। चल चलते हैं। चलो। बढ़िया है। वो सब लोग यहाँ से निकले? हाँ। इनको रहना चाहिए था यार। वो उनसे ज़्यादा आगे आ गए। मैं भी कह रही हूँ। एक और ट्राई इस गुफा में। ये यहाँ की सबसे खतरनाक गुफा है। इसमें कोमल अकेले जा रही है क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ओनली फॉर केवर्स एंड फॉर एक्सप्लोरर्स। सो यहाँ से काफ़ी लोग लौट चुके हैं, सिर्फ हम ही दो जाबाज बचे हैं अपनी जाबाजी दिखाने। चलिए देखते हैं आगे होता है क्या अगले एपिसोड। दो कदम चलते ही कुछ दूर निकलते ही कोमल को डर लग गया, तो कोमल बोल रही है रहने देते हैं यार। देखिए यहाँ पर एक लाइट नहीं, आगे चट्टाने हैं और कोमल डर चुकी है बहुत। चलिए प्लान ड्रॉप करते हैं, मिलते हैं। नॉनकलाई बेसिकली एक फीमेल का नाम था जिन्होंने अपने मतलब जिनको जिन्होंने अपने बच्चे को मतलब उनके खुद के बच्चे को उन्होंने काट के खा लिया था। जब उनको भूख लगी तो उन्होंने काट के खा लिया एंड आफ्टर सम टाइम उसको गिल्ट हुआ कि मैंने ऐसे क्यों किया, तो उसने जगह से जंप कर दिया था, ऐसे पानी में उसने जंप कर दिया था। दैट्स व्हाई इस पानी का नाम पड़ा है नॉनकलाई। सो गाइस, इस फॉल के बाद में हम लोग जाने वाले नेक्स्ट फॉल पे एंड वो फॉल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वो एक ऐसी लोकेशन है जो हमने डिस्कवर करी थी, एक्चुअल डिस्कवर करी थी ऑनलाइन एंड उस लोकेशन में जाने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते वहाँ पर। सो वो थोड़ा सा प्राइवेट एक फॉल है। सो चलते हैं उस लोकेशन पर, दिखाते हैं आप लोग क्या होने वाला है यहाँ पर। और यस, अगर मुझे फॉल अच्छा लगता है देन थोड़ा बहुत मैं स्विमिंग भी करूँगा। सो लेट्स सी क्या होता है। फॉल, एक और फॉल है ये एंड इसके अंदर भी थोड़ा सा मुश्किलों को पार करते हुए आपको जाना पड़ेगा अंदर। लेट्स सी इफ वी कैन गेट देयर। अगर हम वहाँ पहुँचते हैं तो वीडियो कॉल करेंगे। अभी भी रास्ता खत्म नहीं हुआ है। कोमल को कहाँ छड़ी हुई है। उतरने के बाद में आपको मिलता है सफेद सैंड, सफेद रेत और उसके आगे मिलती है आपको दैट ब्यूटिफुल वाटर। तो पानी देख के थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जंप कर लूँ उसमें, लेकिन कोमल ने बोला थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं फिर उसके बाद जंप करेंगे। सो थोड़ा देखते हैं आगे जाके क्या है। पानी तो बहुत ही ज़्यादा साफ है, पूरा उसका डीप दिख रहा है कितना ज़्यादा डीप है वो सब कुछ उसका पूरा। कुछ और लोग भी नहा रहे हैं, ठीक है नहाने दो। ये कुछ थोड़ा पास से व्यू, पास से व्यू और बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी लोग नहा रहे हैं तो वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर नहाएंगे हम लोग नहीं, मतलब मैं अकेला, कोमल तो नहीं नहाएगी यहाँ पर, उसको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पानी लेकिन बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत ज़्यादा क्लीन है, लाइक मैंने इतना क्लीन वाटर अभी तक नहीं देखा था। लेट्स सी।
sort of feel beside. I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. So this is traditional khasi thali. It have fish, it have chicken, it have organ meat. So everything is there. Perfect combination of everything. Rice is a little more, but fine. But it goes with rice only. मतलब इसके ना सब कुछ सारा एक proper balanced combination है हर एक चीज़ का. I love this food. This is called khasi thali. Thanks for watching this video, guys. And if you like this video, like, share, and subscribe. And enjoy this beautiful view. And see you in the next video now. In this desert, I can look at you.